हेलो फ्रेंड्स, इन 11th क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। 11वीं कक्षा का पाठ पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, आकारिकी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, बाहरी लक्षणों के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे ये एक पादप है, दिस इज अ प्लांट, दिस इज द एरियल पार्ट जिसे हम लोग शूट यानी कि प्ररोह कहते हैं, और ये अंदर वाला है रूट जिसे हम लोग मूल कहते हैं। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड शूट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज रूट। ऑन स्टेम यू माइट बी सीइंग दीज लीव्स एंड एट द टॉप we might be having the terminal bud, and in the axil we have got axillary bud. This is your node, the distance between the two is called as internode. Here we have got a flower, so this is your external morphology. But if you are cutting the section of any part of the plant and seeing it under the microscope, so that will be called your internal morphology. So morphology दो प्रकार की हो गई है, एक्सटर्नल एंड नंबर टू इंटरनल। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एनाटॉमी। आप उसे जो है एनाटॉमी भी कह सकते हैं। अब जो है सबसे पहले हम रूट के बारे में बात करने जा रहे हैं। रूट, रूट का ओरिजिन रेडिकल से होता है। रेडिकल का मतलब मूलांकुर, मूलांकुर से होता है। अब जो है हम अगर देखें, रूट जो है वह दो प्रकार की होती है। यह यूं कह दीजिए, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट्स आर देयर, जैसे कि मेन रूट, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। मेन रूट ये रही,
इसमें से निकलने वाली ये प्राइमरी रूट हो गई, उसमें से निकलने वाली ये हमारी सेकेंडरी रूट हो गई, और ये हमारी टर्शरी रूट हो गई। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स आर देयर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ रूट्स आर देयर? दिस इज योर मेन रूट। एट द टिप ऑफ द रूट वी हैव गॉट इट रूट कैप। दिस इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक जोन, विभिज्योतिकी क्षेत्र। This is called as elongation zone, and this is called as maturation zone. Maturation zone से, परिपक्वन क्षेत्र से ये रूट हेयर निकलते हैं। रूट की सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है वह हमको कहां मिलती है? इलोंगेशन जोन के अंदर मिलती है। अभी क्लास में हूं तो मैच्यूरेशन, इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक जोन में होती है। अब जो है बात चलेगी कि रूट कितने प्रकार की होती है। रूट जो होती है वह तीन प्रकार की होती है। बेसिकली तो दो होती है, एक कहलाती है टैप रूट और एक कहलाती है फाइब्रस रूट। टैप रूट को हम लोग मूसला मूल कहते हैं, और ये कहां पर मिलेगी? तो आंसर होता है डाइकॉट में, द्विबीज पत्रियों के अंदर यह मिलेगी। और फाइब्रस को हम रेशेदार मूल कहते हैं, और ये आपको मोनोकॉट यानी कि एक बीज पत्री में मिलेगी। अब एक और प्रकार, इन दोनों का ओरिजिन जो है वो रेडिकल से होता है। उत्पत्ति किससे होती है इन दोनों की? मूलांकुर से होती है। अब जो हमारा रूट है वो न केवल टैप रूट या फाइब्रस रूट ही होती, एक और प्रकार की मूल होती है, जिसे कि एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल वह होती है जो कहीं से भी पैदा हो जाती है, और नॉट फ्रॉम रेडिकल। एक कहलाती है प्रॉप रूट, जिसे हम लोग जटा मूल भी
कहते हैं। यह आपको बैनियन ट्री में बरगद के वृक्ष के अंदर देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि यह बरगद का वृक्ष है, उसमें से ये जटाएं निकली हुई होती है। अपस्थानिक मूल आपको मॉन्स्टर में मिलेगी, घास में मिलेगी, गन्ने में मिलेंगी, लेकिन दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल। परंतु ये जो रूट मैं बता रहा हूं, रिस्टिल्ड रूट, जिसे हम लोग अवस्तंभ मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, अवस्तंभ मूल, ये कहां से पैदा होती है? नोड से। यहां से पैदा होती है ये रही। क्या कर रही है ये रूट? ये सहारा दे रही है, सपोर्ट कर रही है। सो दीज आर द रूट्स विच प्रोवाइड द सपोर्ट। एक कहलाई प्रॉप रूट और एक कहलाई स्टिल्ट रूट। मूसला मूल और अवस्तंभ, सॉरी, जटा मूल और अवस्तंभ मूल। अब कुछ ये मॉडिफिकेशंस हैं, यानी कि रूपांतरण है। कुछ रूट्स सपोर्ट देने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, तो कुछ रूट्स भोजन संचय के लिए भी काम में आती हैं। तो फॉर फूड स्टोरेज करने के लिए ये मोटी हो जाती है, जैसे ये रही। तो ये मूली हो गई, रेडिश। इसका जो ये रूप होता है उसको फ्यूजीफॉर्म या तर्क रूपी मूल कहते हैं। ये हो गई हमारी गाजर, ये शंकु रूपी हो गई, यानी कि कॉनिकल हो गई। और ये हो गया हमारे पास में शलजम, जिसे हम लोग नेपीफॉर्म या कुंभ रूपी मूल कहते हैं। तो अभी तक जो रूट्स मॉडिफाई हुई वो सहारे के लिए और भोजन संचय करने के लिए। अब हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स जो है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास अब आएगी रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट को हम लोग श्वसन मूल कहते हैं, जो कि हेलोफाइट्स में मिलेगी, लवणोद्भिद में, यानी कि ऐसे पौधे जो सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, सलाइन वाटर में, नमकीन जल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये रे, ये पानी है, इस पानी में से ये रूट बाहर निकल आती है और वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है इस छिद्र के द्वारा, जिसे हम लोग न्यूमा कहते हैं। तो इसलिए इस रूट को
nematophore. रूड भी कहा जाता है. एग्जाम्पल राइजोफोरा, न्यूक्रोनेटा होता है. एक होती है फोटोसिंथेटिक रूट, ग्रीन रूट, बहुत पूछते हैं. ग्रीन रूट ये आपको टीनोस्पोरा और ट्रापा के अंदर मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट एंड विच वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट जोन्स ऑफ द रूट. देन वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ द रूट. देन वी टॉक्ड अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट. So, you have to keep in mind the examples. Examples, they are more important.